बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को एक लड़के का जन्म होता है। उसके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। ये लड़का जब 17 साल का था तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू होता है और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीजों पर चलती है, पहले जाति और दूसरी दबंगे। इस लड़के ने इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। इस लड़के की इतनी बात हो चुकी है तो अब नाम भी जान लीजिए। उसका नाम है आनंद मोहन सिंह, बाहुबली नेता आनंद मोहन। इस वक्त एक डीएम की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। वैसे तो इनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ये लोक सेवक के हत्यारे हैं, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकती। हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहटन चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे हम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। आरक्षण विरोध के कारण ही उन्होंने 1993 में जनता दल से खुद को अलग कर लिया और अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी BPP रखा। बाद में आनंद मोहन ने समता पार्टी से हाथ मिला लिया। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए, लेकिन हार गए। उधर आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी कर ली। लवली सिंह स्वतंत्रता सेनानी माणिक प्रसाद सिंह की बेटी हैं। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव, जिसमें लवली आनंद BPP के टिकट पर जीत कर पहली बार संसद पहुंची। ये वो दौर था जब आनंद मोहन बिहार में लालू का एकमात्र विकल्प माने जाते थे। उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री तक कहा जाने लगा था। लोग कहते हैं कि जब आनंद मोहन रैली करने आते थे तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो लालू की रैलियों में भी नहीं आते थे। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि आनंद मोहन की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। खैर, 1999 के लोकसभा चुनाव में भी लवली वैशाली से ही खड़ी हुई, लेकिन हार गईं। समय बदला, खुले मन से राजनीति करने वाले आनंद मोहन के साथ 2000 के चुनाव में भीतरघात हुआ। तब BJP और समता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा। इन्होंने खुले मन से गठबंधन किया, लेकिन इनके उम्मीदवारों के खिलाफ डमी प्रत्याशी खड़े कर दिए गए। चुनाव में इनकी करारी हार हो गई, जिसके बाद से पूरी परिस्थिति ही बदल गई। अब आपको फिर 90 के दौर में ले चलते हैं, जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी। उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 94 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के DM जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। केस में कई और नाम भी जोड़े गए। आनंद मोहन को जेल हो गई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन जेल में 14 साल की सजा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के मुताबिक
उनकी अब रिहाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन माना जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से सरकार उनको रिहा करना नहीं चाहती है। हालांकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने 2020 के जनवरी महीने में खुद को कहा था कि आनंद मोहन उनके दोस्त हैं और उनकी रिहाई के लिए वो खुद चिंतित हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि आनंद मोहन विधानसभा चुनाव में उनकी मदद करें। वो उनके बेटे चेतन आनंद को विधानसभा चुनाव में जदयू को टिकट देने के लिए भी राजी थे, लेकिन आनंद मोहन चुनाव में अपने समर्थकों के लिए भी टिकट मांग रहे थे। यहीं से बात बिगड़ गई, जिसके बाद लवली और चेतन राजद में शामिल हो गए। दोनों को राजद ने टिकट दे दिया, चेतन राजद के विधायक बन गए, जिसके बाद नीतीश कुमार आनंद मोहन से इतने नाराज हो गए कि वो अपना वादा भी भूल गए। नीतीश आनंद मोहन की शख्सियत को जानते हैं। आनंद मोहन का प्रभाव पूरे देश में माना जाता है। आज भी वो राजपूतों के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उनके जेल से बाहर आने से नीतीश को राजनीतिक खतरा महसूस हो रहा है। इससे राजद को भी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, और ऐसी गलती भला नीतीश कैसे कर सकते हैं। इसलिए अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो आनंद मोहन की रिहाई नहीं होने देंगे। हालांकि राजनीति में गोटी कब किस पाले में चला जाए कहा नहीं जा सकता। अब भी आनंद मोहन के समर्थकों को भरोसा है कि उनकी रिहाई होगी और वो फिर से बिहार के सियासत के बेताज बादशाह बनेंगे। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।